तेजस तक मैं विलन। ग्राम बैजपुर तिलग्राम गांव दलपतपुर, ये हमारे यहाँ लाइट की बड़ा समस्या है। इतना कुल्ले तार यहाँ कुल पड़ा बाटे जगह कोनो उहे नहीं है। आज एक साल हो जात है जगह कोनो देखभाल होते ही नहीं है। खम्भा गड़ा है वैसे पड़ा है जितना है, केहू का कोनो उहे नहीं आवे जाए में। तार इतना कट कट गए है, देखते हो एकदम से टूट गए है। मनई गिरत है वैसे चोटा थे। ये तो हमारे गांव वाले कहो समझदार है कि बटवर के यहाँ धई दिए और एक कोनो वह ना है। खम्मा इसे लगा है देखत है जो खम्मा है कि अगर कोनो बतिए नहीं है एक जाम। हाँ जाम तो एक खम्मा ना है, गिर जाए अगर आदमी तो वैसे मर जाए। और एक को खम्मा का कोनो वह बात में है ये ना है। खम्मा देखा तो आधा लटका होकर कोनो वह ना है कि कैसन वह है। तीन दिन तो हमारा मोटरसाइकिल गिरा होकर तो शीशा उसा कुल फूट गया। कहा तो लाइक भैया दिखाई दी वो अगर जरूरत पड़ी तो। और हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर आए रहा वो तो ओकर पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया। वो तो ठेकेदार जो नहीं लगा था उठाए ले गए, ठेकेदार ले गए कि मुंशी किए ले गए का तो हमें इनके पता ही नहीं है। और प्लस ओकरे बाद में तार के तो कोनो भी सुनवाई ही नहीं है। इस तार आधा तो वैसे वही से पड़ा है मैंने वो टूरे फूरे करते जो बचा है जो बचे हैं। और ऐसे पड़ा है भैया यह गाँव तो बतिए छोड़ो यूँ गाँव का वहूँ गाँव का वह कहानी है। दुई गाँव है, दुई गाँव दलपतपुर में मतलब दुनिया सुधर जाए लेकिन दलपतपुर दिन खून आई सुधरा आज तक न लाइट के मामले में न कोनो चीज़ के मामला में। नाम मेरा नायब अली है, दलपतपुर का रहने वाला हूँ, ग्राम बैजपुर का। यहाँ पे एक साल हो गया खम्भा गड़ के और उसके बाद में यहाँ पे करीबन चार महीना हो गया तार गिर के और उसके अलावा वगैरह वगैरह काम जो भी हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी आँख के सामने ये गड़ा मेरे और मैं खुद देखा हूँ कि 5 फुट गहराई होती है लेकिन उसमें सब मिट्टी डाल के सिर्फ 1 फुट सिरमिट और ये बालू डालते हैं, गिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं। इसे डाला भी नहीं और कहीं जगह पे तो खम्भे में कुछ भी नहीं डाला, इसे छोड़ के चले गए। अब खम्भा यहाँ पे गड़ा हुआ है, कहीं किसी के घर के ऊपर गिर गया, कोई जा रहा उसके ऊपर गिर गया, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ सपोर्ट ही नहीं है। और बाकी का भी खम्भा गड़ा हुआ उसका भी कोई सही तरीके ढंग से गड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे बिजली खम्भा नहीं लग पावत है, ये दिक्कत है। और यहाँ तार फैला फैला चले गए हैं, आज तक कोई सुनाई नहीं हो रहा है। हमारे गाँव का तकलीफ ये है कि ये बिजली का खम्भा यहाँ पे गड़े हुए तकरीबन 1 वर्ष बीत गया और उसके बाद प्रशासन ने ठेकेदार ने कोई सुध नहीं लिया। ठेकेदार का नाम जो ज्ञात में आ रहा है उसका नाम जगजीवन है और उसके 4 महीने बाद तकरीबन केबल गिरा है। और केबल गिरने के 3 महीने बाद एक दिन आके ये लोग जब काम शुरू किए तो कुछ गाँव के लोगों ने, कुछ महिलाओं ने, कुछ पुरुषों ने, कुछ लोगों के निवासियों ने विरोध किया कि भाई खम्भा जाम नहीं है। और ये बात सही है, खम्भे में ये लोग जो है सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किए हैं, फिर मिट्टी से जाम किए हैं। ऐसा जो है तकरीबन 75% खम्भा ऐसा जाम हुआ है। तो इसका लोगों ने विरोध किया, इस पर उन्होंने काफ़ी बदतमीजी से भी पेश आया, ये भी सुनने में आया है। औरतों से अच्छा व्यवहार भी नहीं किया, लोगों से भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, काम छोड़ के चले गए और अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। केबल जो जहाँ पर फैलाया गया था वहीं पर वैसे ही पड़ा हुआ है। अब हम लोग के ये समझ में नहीं आ रहा है कि गलती किस चीज़ की है, हम ग्रामवासियों की क्या गलती है, प्रशासन ने ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है। अगल बगल के गांव पे देखिए तो हर जगह लाइट आ गया है, हमारे गांव पे क्यों नहीं आ रहा है, इसका हमें जवाब चाहिए। तेजस तक में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।